सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो की ग्रुप पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एक्साइटिंग ब्लॉग एक बहुत ही एक्साइटेड के साथ। तो आज की जो कार है हमारे साथ वो एक मिड साइज सेडान एंड जो कि बहुत ही बोलूँगा वन ऑफ दी प्रिटी लुकिंग कार है। ये आपको बहुत ही प्रीमियम फील देगी बाहर से भी और अंदर से भी। तो आज की जो कार है हमारे साथ वो है स्कोडा की ऑल न्यू स्लाविया। तो आज का कंप्लीट ब्लॉग स्कोडा स्लाविया के बारे में ही होगा। आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर सब दिखाऊंगा, उसके बाद ड्राइव पे लेके चलूंगा, कैसी है कार ये चलने में वो आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग ऑल न्यू स्लाविया के साथ। सो दिस इज स्कोडा स्लाविया इन फ्रंट ऑफ मी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक इसकी बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ कि ये स्लाविया किस किस वेरिएंट्स में किस किस इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। स्लाविया कम्स विद थ्री वेरिएंट्स, दैट इज एक्टिव एमिशन इन स्टाइल एंड विद टू इंजन ऑप्शंस, दैट इज 1.0 TSI एंड 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन एंड विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो आज का वेरियंट है वो है स्टाइल विद मैनुअल ट्रांसमिशन। तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारा व्लॉग। तो पहले मैं फ्रंट की बात कर लेता हूँ। तो फ्रंट में आपको एज यूजुअल स्कोडा का जो एक काइंड ऑफ हेरिडिटरी डिज़ाइन है, हेरिडिटरी जो लुक एंड अपीयरेंस है वो आपको इसको फ्रंट में ज़रूर देखने को मिलेगी। चाहे मैं वो ये शार्प एजेस की बात करूँ जो फ्रंट बोनट में आपको ये दिख रही है ब्रॉड सी, ये शुरू से स्कोडा की कार सेडान्स में ये आपको दिखती आई हैं। उसके बाद चाहे मैं बात करूँ फ्रंट ग्रिल की, तो यहाँ पे भी आपको ये बहुत बोल्ड सी फ्रंट ग्रिल मिलेगी एंड वर्टिकल ग्रिल्स आपको इसमें मिल जाएंगी जो कि सराउंडेड है क्रोम से, आप देख सकते हैं। बीच में यहाँ पे आपको स्कोडा का लोगो मिल जाएगा। उसके बाद मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये ऑन है एंड यहाँ पे आपको DRLs मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। उसके बाद मैं नीचे बात करूं तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स दिए गए हैं जो कि हेलोजन है, LED नहीं है एंड उसके आसपास आपको क्रोम का ऐसा ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल फ्रंट से कुछ ऐसी एक बहुत ही एजी शार्प लुक आपको मिलेगी एंड कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक स्कोडा रैपिड की याद दिलाए फ्रंट से। उसके बाद मैं अगर आपको साइड में लेके चलूँ कि साइड में क्या क्या ऑफर किया गया, तो सबसे पहली चीज़ जो साइड से आप मेन ऑब्जर्व करेंगे वो है इसकी लेंथ। तो इस सेगमेंट में जो इसके राइवल्स हैं, मैं बात करूँ सियास की, ह्यूंडई वर्ना की या होंडा सिटी की, तो उस सेगमेंट में सबसे लॉन्गेस्ट व्हील बेस इसका है। बट हाँ, अब वॉक्सवैगन की वर्चस भी लॉन्च हो चुकी है और वो इसी के प्लेटफॉर्म पे बनी है। एज यू नो स्कोडा वॉक्सवैगन ग्रुप का जो ज्वाइंट एक ही ग्रुप है, तो इसी के प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो उसका व्हील बेस भी एकदम एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद क्या क्या यहाँ पे है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है जो कि रियर में नहीं है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेंगी एज यू कैन सी। एंड उसके बाद मैं साइड ORVMs की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर साइड ORVMs मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर्स उस पर आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का साइज़ इसका आपको मिल जाएगा जो डिसेंट है। एंड यहाँ पे आपको स्कोडा की एक बैजिंग मिल जाएगी फ्रंट फेंडर में। एंड नेक्स्ट अगर मैं डोर हैंडल्स आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे एंड बीच में क्रोम ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया जो कि पैसेंजर साइड में भी है, दैट इज़ रियली गुड। अब मैंने दबाया तो कार ऑफ हो गई, लॉक हो गई, अब मैं इसको दोबारा दबाऊँगा तो कार अनलॉक हो जाएगी। एंड उसके बाद साइड में आपको पूरा क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ से पूरा आगे तक मिल जाएगा जो कि इसको एक प्रीमियम फील ज़रूर देता है। एंड हियर यू विल गेट द फ्यूल लिट जिसको आप बाहर से ऐसे पुश करके ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, आपको अंदर से इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ गुड थिंग कि बाहर से ही हो जाता है, आपको अंदर से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद मैं पीछे की तरफ आऊँ, पीछे आपको दिखाऊँ कैसी लुक है। तो पीछे से अगर आप इसे देखेंगे ना, अगर आप इसे दूर से देखोगे तो आपको शायद लगेगा कि न्यू ऑक्टाविया है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट वैसी लुक इसमें दी गई है। बट जो भी है, जैसा भी है, बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही स्टर्डी सा फील ये आपको कार देती है एंड एक बहुत प्रीमियम लुक पीछे से आपको मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली एक सेडान, मिड साइज सेडान वाली लुक जो है वो उभर के ज़रूर आती है इसमें। एंड यहाँ पर आपको एक ब्यूटिफुली रैप्ड टेल लैम्प्स मिल जाते हैं कुछ एंड यहाँ सेंटर में आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको स्लाविया की बैजिंग मिल जाएगी। एंड नीचे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको चार
रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं एंड उसके नीचे क्रोम का कुछ ट्रीटमेंट आपको ऐसे मिलने वाला है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये पता करना है कि ये 1 लीटर वाली स्लाविया है या 1.5 लीटर स्लाविया है, उसको आप कैसे पता करोगे? वेल, एक तरीका यहाँ से है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जॉस्ट में ड्यूअल टिप है, तो 1.5 लीटर इंजन में ड्यूअल टिप आती है एंड 1 लीटर में सिंगल एग्जॉस्ट टिप आपको मिल जाएगी। सो दिस इज़ द एक्सटीरियर ऑफ स्कोडा स्लाविया एंड आई मस्ट से इट इज़ वन ऑफ द प्रिटी लुकिंग सेडान। एस्पेशली जो ये कलर इसमें है ना, ये एक आई कैची कलर है। तो इंटीरियर्स में चलने से पहले आपको इसकी की दिखा देता हूँ। ये एक फोल्डेबल की इस तरीके से है एंड इसमें आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर का बटन दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर से तो कर ही सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो डोर में आपको ब्लैक एंड बेज ड्यूअल टोन का ट्रीटमेंट मिलने वाला है और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के ट्रीटमेंट्स भी दिए गए हैं एंड यहाँ पे एंड जो डोर अनलॉक का जो लीवर है क्रोम फिनिश में है, काफ़ी प्रीमियम है। अगर यहाँ पे स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको साइड ओआर वीएम्स पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड डोर पॉकेट्स में आपको यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल मैंने अभी डाल रखी है तो आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक छोटी सी मैंने ये रखी हुई है, पूरा दिन शूट करना है तो जस्ट गर्मी इतनी है तो इसीलिए, और आपको पता भी आइडिया भी लग जाएगा कितनी जगह इसमें है। एंड यहाँ पे एक स्मार्ट चीज़ दे रखी है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग्स ही दे रखी है, तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे कुछ या फिर कुछ जो आपको एकदम फिट टाइट से रखना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये था डोर के बारे में एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए इन केस आप रात को कहीं आपकी कार ख़राब हो जाती है एंड आप डोर खोलते हैं या कुछ भी डोर खोल कार खड़ी है डोर खोलना, तो रिफ्लेक्टर्स चारों डोर में दिए गए, तो ये एक अच्छी चीज़ इसमें है। सीट्स की बात करूँ तो सीट आपको इसमें लेदर सीट्स दी गई है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आपको इसमें दी गई हैं एंड बट एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट देती है वो ये कि जिस ये टॉप एंड वेरिएंट है एंड जिस बजट में आती है ऑन रोड प्राइस, तो यहाँ पे आपको पावर सीट्स नहीं दे रखी, मैं बोलूँ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स नहीं दे रखी, सब कुछ मैनुअल एडजस्टमेंट है, तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगा। तो अब मैं आ गया हूँ कार के अंदर एंड इंटीरियर्स मैं आपको अब दिखाता हूँ क्या क्या इसमें ऑफ़र किया गया। सबसे पहली चीज़ आपको बैठते ही एक जो प्रीमियमनेस फील होगी वो डेफिनेटली इसमें दी गई है एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड मैं बोलूँ तो एक जो मटेरियल की फ़िट एंड फिनिश है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया मटेरियल से डैशबोर्ड में। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे टोन्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मैट फिनिश में गोल्डन की फिनिश मिल जाएगी, मैट फिनिश में यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ पे बेज कलर की बेज कलर यूज़ किया गया, तो हालाँकि हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक ही यूज़ मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज़ डैशबोर्ड में नहीं है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे एक एम्बिएंट लाइट जलती है पूरे ऐसे इस जगह पे, पतली सी स्ट्रिप ऐसी आपको मिल जाएगी जो कि रात को और इसकी प्रीमियमनेस को इंक्रीज़ कर देती है। एंड उसके साथ साथ ये जो डोर के नॉब्स है ना, इसके अंदर भी आपको वाइट कलर की लाइट लगी हुई है छोटी सी, तो रात को वो एम्बिएंट लाइट के साथ वो भी जल जाती है चारों डोर्स में, तो वो काफ़ी एक प्रीमियम फील देती है ज़रूर। एंड उसके बाद स्टेयरिंग की मैं बात कर लेता हूँ, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा डिज़ाइन में स्टेयरिंग, 2-स्पोक स्टेयरिंग है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है एंड एक प्रीमियमनेस इसके स्टेयरिंग से भी आती है। चाहे मैं बात करूँ स्विचेस की, पूरी ये क्रोम फिनिश में दी गई है इसकी स्विचेस की फिनिश एंड आप दोनों तरफ देख सकते हैं, आसपास पूरा क्रोम का ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा एंड जो क्वालिटी ऑफ स्विचेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद मैं आपको साइड में दिखा दूं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक राउंड एसी वेंट्स दिए गए हैं, जो वो गोल्डन फिनिश वहाँ से शुरू हो रही थी डैशबोर्ड से वो आपको यहाँ पे एसी वेंट्स के अंदर तक पूरी मिलेगी एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर दिया गया है, यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल दे रखे हैं, ऑटो हेडलाइट्स का फीचर इसमें दिया गया, तो ये बेस्ट है, ऑटो में छोड़ दो, सब काम खुद होगा, आपको ऑन ऑफ करने की टेंशन नहीं है एंड इसको आप ऐसे पुल करोगे तो फॉग लैम्प्स ऑन हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक यूटिलाइजेशन के लिए स्पेस दे रखी है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे एक ये देख रहे हो कुछ टिकट्स या छोटे मोटे जो टॉल वगैरह की स्लिप्स होती है, जो भी रिसिप्ट वगैरह आप यहाँ रख सकते हो, इट इज़ अ स्मार्ट मूव। यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिल जाएंगे दोनों तरफ, तो ओवरऑल इस कार में आपको 8 स्पीकर सिस्टम मिल जाएगा, 4 तो डोर्स में हो गए एंड 4 ट्विटर्स हो गए। यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग
मिल जाएगी। एंड ऊपर यहाँ पे सारा हार्ड प्लास्टिक ही यूज़ किया गया है जैसे मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे एक स्पेसिफाइड जगह दे रखी है जहाँ पे आप जो यूजुअली हम कार में आइडल्स वगैरह लगाते हैं, तो वो आपके लिए जगह दे रखी है अलग से। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर दे रखा है। एंड यहाँ पे कैबिन लैंप्स आपको LED में दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है। एंड उसके बाद यहाँ पे सन वाइजर में वैनिटी मिरर दे रखा है, हालांकि कोई वैनिटी लैम्प नहीं दे रखा, विच इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट कि इस सेगमेंट में इस प्राइस में ये आपको नहीं मिल रहा। एंड अगर ड्राइवर साइड में आपको कुछ भी नहीं ऑफर किया गया है। एंड मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इंफोटेनमेंट में मैं बाद में आऊँगा। यहाँ पे आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बीच में आपको 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी जो वेरियस इंफॉर्मेशन शो करता है। जैसे अभी डोर खोला हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन सी चीज़ ओपन है। एंड उसके बाद जो यहाँ पे व्यूज़ है, मैं यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो दे रखा है, यहाँ पे आपको RPM वाला व्यू है, बीच में जो इन्फॉर्मेशन है अभी म्यूज़िक की है, आप उसको अलग अलग इन्फॉर्मेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। वो आप कहाँ से करोगे, यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो सी अभी वो ऑडियो में हो रखा है, तो अगर आप उसको एंड अगर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, ड्राइविंग डाटा, तो ड्राइविंग डाटा में आपका सब आ जाएगा। ट्रिप बेसिकली ट्रिप मीटर्स है, कितनी चली, क्या माइल रेंज है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे उसके बाद टेलीफोन का ऑप्शन है, तो जो आपका अभी मैंने एप्पल का आपले से कनेक्ट कर रखा है, तो जो भी नोटिफिकेशन फ़ोन में आएंगी कॉल वगैरह की, वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल गेज दे रखा है, एंड यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर होता है उसका गेज दे रखा है। तो ये है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हालांकि इसमें कोई कलर थीम वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते, जस्ट आप लेआउट कर सकते हो। एंड अब ये फुल डिजिटल लेआउट आ चुका है, बीच में स्पीड आएगी, एंड जो लेफ्ट और राइट के ऑप्शंस है वो आप वैसे इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। एंड नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट द सेंटर कंसोल, तो मैं इंस्ट्रूमेंट तो मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको वैसा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जैसा कि कुशाक में आता है। तो ये इसकी होम स्क्रीन है, शॉर्टकट्स दे रखे हैं, म्यूज़िक का जो भी सोर्स आपने चलाया हुआ है, नेविगेशन वगैरह के शॉर्टकट्स हैं, कनेक्टिविटी के शॉर्टकट्स हैं, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। उसके बाद यहाँ पे कार का ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, तो वैसे आप देख नहीं सकते, बट जब भी प्रेशर लो होगा तो वो नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ इनबिल्ट एप्स दे रखी हैं, साइजिक करके ये स्कोडा की अपनी नेविगेशन की ऐप है। एंड यहाँ पे आप गाना ऐप दे रखी है, booking.com, ऑडियो बुक्स, ऐसी कुछ ऐप्स दे रखी हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का सॉफ्ट में बटन दे रखा है। बट एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, जब जो अब स्लाविया आ रही है उसके टॉप वेरियंट में आपको ऐसा इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ़ दी सेमी कंडक्टर इशू। तो उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया गया, तो वो डिस्प्ले फीचर्स वगैरह सब ऐसे मिलेगी, बट वो ऐसा यहाँ पे आपको साइड में नॉब्स वगैरह दे दी गई हैं वॉल्यूम ट्यून सोर्स चेंज वगैरह करने के लिए। उसके नीचे आपको यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल जाएगा। AC इवेंट्स काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के आपको मिल जाएंगे। जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसके सेटअप की बात करूँ, तो यहाँ पे कुशाक जैसा सॉफ्ट टच रिस्पॉन्स वाला आपको एयर कंडीशनिंग का पूरा सेटअप मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया, एंड ये काफ़ी अच्छा काम करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस भी आपको दिया गया है, आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं जैसे मैंने अभी रखा हुआ है। एंड यहाँ पे इट इज़ अ मैनुअल वेरियंट जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन दे रखा है। यहाँ पे इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑन ऑफ का बटन दे रखा है। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का बटन है, ये पैसेंजर के लिए है, यहाँ पे ड्राइवर के लिए दे रखा है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे चार्जिंग के लिए ना सी टाइप के कनेक्टर दे रखे हैं दोनों, एंड यहाँ पीछे भी सी टाइप के ही हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी लगी कि यार ज़रूरी नहीं है कि अभी भी सभी के पास सी टाइप कनेक्टर वाले फ़ोन हो। तो अगर आपको हालांकि वायरलेस चार्जिंग दे रखी है बट हर फ़ोन वो भी सपोर्ट नहीं करता, तो अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो केबल लेके चलते हैं चार्ज करने के लिए और आपका फ़ोन सी टाइप नहीं है, तो आपको या तो कन्वर्टर लेना पड़ेगा सी टाइप वाला। अब जैसे मैं स्पेशली ये
सी टाइप आईफोन, हालांकि मेरे आईफोन में वायरलेस चार्जिंग है बट स्टिल मैंने ये सी टाइप वाली वायर यहाँ रखी हुई है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। एंड यहाँ पे आपको एक अगेन सॉफ्ट टच लेदर रैप के साथ आर्मरेस्ट मिलेगी जो स्लाइडिंग है एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी आगे तक स्लाइड होती है। एंड इसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाएगी, अभी मैंने सामान वगैरह आप देख सकते हैं रखा हुआ है तो कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे दो कप होल्डर्स है। उसके बाद मैं ग्लव बॉक्स आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स है, डिसेंट साइज है, कोई ऐसा इशू मुझे नजर यहाँ पे नहीं आया। सो दिस इज द फ्रंट ऑफ द स्कोडा स्लाविया। एक चीज इसमें श्योर है कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्रीमियम फील मिलने वाली है इस कार में। अब मैं चलता हूँ रियर में, अभी मैं सीट अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर लेता हूँ एंड फिर आपको बताता हूँ कि पीछे कितनी स्पेस क्या है। सो पीछे के डोर की बात करूँ तो यहाँ भी आपको सेम ब्लैक एंड बेज का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे ट्वीटर्स आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पावर विंडो की कंट्रोल मिल जाएंगे और ये चीज़ आपको सॉफ्ट टच में दे रखी है। एंड मैं सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे सेम लेदर सीट्स, लेदराइट फिनिश में आपको सीट्स मिल जाएंगी विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो मेन चीज़ है। लेगरूम वगैरह सफिशियंट है, कोई भी कमी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया इस सेगमेंट में सबसे लंबा व्हील बेस इस कार का है तो आगे वाली सीट मेरे हिसाब से जस्ट है। मेरी हाइट अराउंड 5'6" 5'7" है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे स्मार्टफोन रखने के लिए स्पेशलाइज्ड या मैं बोलूँ एक पर्टिकुलर एक जगह दे रखी है तो ये सही है। एंड यहाँ पे ऐसे पॉकेट्स वगैरह पीछे दे रखी हैं। एंड यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स दो मिल जाते हैं, हालांकि इसकी ब्लोअर स्पीड वगैरह कोई इंडिविजुअल कंट्रोल आपको यहाँ नहीं दे रखा। एंड यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था दो सी टाइप चार्जर्स यहाँ दे रखे हैं। एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगी विद 2 कप होल्डर्स। तो ये कुछ सीन है पीछे का। यहाँ पे आपको कैबिन लैंप्स अगेन LED कैबिन लैंप्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको कोट वगैरह टांगने के लिए एक स्पेशल हुक भी दिया गया है। एंड सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स रखे, दो फ्रंट में एक पैसेंजर एक ड्राइवर एयरबैग, दो सीट में फ्रंट सीट्स में दोनों में आपको सीट एयरबैग्स दे रखे और वहाँ पे ऊपर कर्टन एयरबैग्स और यहाँ भी दे रखे हैं तो टोटल 6 एयरबैग्स हो गए। एंड सेफ्टी के लिए इसमें और बहुत सारा स्कोडा ने ध्यान रखा है, जो सेफ्टी की पूरी लिस्ट है वो भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो दिस इज दी वॉक अराउंड ऑफ स्कोडा स्लाविया। अब चलते हैं इसकी ड्राइव में एंड आपको ड्राइव में बताता हूँ कैसी है ये कार चलने में। सो नाउ आई एम इनसाइड दी स्कोडा स्लाविया एंड अब बात कर लेते हैं इसकी ड्राइव में कैसी है ये कार चलने में, जो भी आपको सब बताऊंगा एंड एज यूजुअल इसके सारे फैक्टर्स की बात करेंगे, परफॉर्मेंस कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फ्यूल एफिशिएंसी नॉइज एंड वाइब्रेशन सब आपको डिटेल में बताऊंगा। एज आई टोल्ड यू ये मैनुअल वेरिएंट है, जो ये वेरिएंट है ये 1500cc वाला TSI टर्बो पेट्रोल इंजन वेरिएंट है। तो सबसे पहले इंजन के फिगर्स की बात कर लेते हैं जो ऑन पेपर दी गई है। तो ये 1.5 लीटर इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर अराउंड 148-150 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है 250 Nm का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे व्लॉग के पहले सेगमेंट की, दैट इज़ परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में ओवरऑल एक बात करूँगा कैसी है सब चीज़ों की परफॉर्मेंस। सबसे पहले इंजन की परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ एंड इंजन के लिए मैं बस एक चीज़ सिंपली ये बोलना चाहूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजन। बहुत ही रिफाइंड इंजन ये है, किसी भी तरीके की आपको कोई कंप्लेंट या अंडर पावर फील नहीं होने देगा। आपको जब जब पावर चाहिए ये इंजन आपको वैसी वैसी पावर देगा, ठीक है। चाहे मैं लोअर स्पीड्स की बात करूँ या हायर स्पीड्स की बात करूँ, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, किसी तरीके की कोई वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होती है। तो पावर के मामले में या मैं पावर इंजन की परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी। एंड उसके बाद मैं बात करूँ गियर बॉक्स की, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो है नहीं कि मैं गियर शिफ्टिंग कैसे हो रही है उसकी बात करूँ, बट स्टिल ये मैनुअल है। एंड जो ये मैनुअल वेरिएंट है ना, ये फन टू ड्राइव है इस इंजन के साथ, ट्रस्ट मी, क्योंकि इसका जो शिफ्टिंग है, जो ये गियर लीवर है ना, बहुत ही ऐसा स्टर्डी सा है, बहुत मैं बोलूँ तो एकदम प्रीमियम सा है। प्रीमियम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा
वो ना कई कार्स में बहुत लूज सा होता है, क्रिम्सी सा ऐसा हिलते रहता है, जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो आपको ऐसी लूजनेस सी लगती है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। बहुत ही ऐसा स्टिफ सा है, जब जब आपको गियर शिफ्ट करना है एकदम आपको शॉर्ट जो ट्रैवल है, इसका बहुत शॉर्ट है, आपको आराम से गियर शिफ्टिंग हो जाएगी सी, तो बहुत ही मज़ा आपको चलाने में आएगा। हालांकि इसके साथ जो क्लच है आपको क्लच दबाना पड़ेगा, उसका ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा पीछे तक वो जाता है, बट हालांकि उसके अलावा आपको इस गियर बॉक्स से मैनुअल ट्रांसमिशन से कोई भी शिकायत नहीं मिलने वाली, बहुत सही काम करता है एंड बहुत ही अच्छा ये फील आपको देता है। एंड इसकी इंजन की पावर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें अब दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, एंड अभी मेरी कार चल रही है 44-45 के अराउंड, एंड आगे कुछ है आपको उसको ओवरटेक करना है, आपको एक इंस्टेंट पावर की ज़रूरत रहती है, तो उस केस में भी कोई इशू नहीं होगी। मैंने अब एकदम से एक्सेलरेशन पेडल दबाया, कार में पिकअप आई और सी स्पीड एकदम से मेरी 80 पहुंच गई। अब आप देख सकते हैं आराम से ये 100 टच कर जाती है। अभी अभी मेरी कार 104-103 के आसपास चल रही है एंड कोई भी इशू नहीं है, बहुत रिफाइंड इंजन है, बिल्कुल भी कोई कंप्लेंट आपको इसमें नहीं मिलने वाली, चाहे मैं पिकअप की बात करूं एंड पावर डिलीवरी की बात करूं, कोई भी इशू आपको नहीं मिलने वाला इसमें। एंड जो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है इंजन को, उसकी वजह से एक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है कार की वो एक एनहेंस हो जाती है एंड आपको एक ज़बरदस्त आउटपुट मिलता है एंड ये बहुत फन टू ड्राइव सेडान बन जाती है। पावर के बाद मैं बात करूँ स्टीयरिंग वगैरह के परफॉर्मेंस की, तो स्टीयरिंग नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है, ठीक है, तो काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है एंड आई थिंक जो मेन मोटिव है इस कार का वो ये है, ये काइंड ऑफ अ फैमिली सेडान कार है कि आप आराम से अपनी फैमिली को बिठाओ एंड ड्राइव को एंजॉय करो, तो स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी लाइट है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं मिलेगा स्टीयरिंग में। रिस्पॉन्स भी अच्छा है, हाई स्पीड्स में भी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मेरी कार अराउंड 80 चल रही है, अभी 80 के आसपास मेरी कार, अभी 86-87 के आसपास कार चल रही है, अब 91 पे पहुँच गई, उसमें भी स्टीयरिंग में कोई ऐसी फीडबैक में मुझे तो कोई इशू नज़र नहीं आया। बेशक जो ये छोटे मोटे टर्न्स भी आते हैं हाई स्पीड में वो भी स्टीयरिंग अच्छे से टैकल करता है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई लैग आ रहा है स्टीयरिंग में या कुछ ऐसा, तो स्टीयरिंग के ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ नाइस, कोई भी ऐसी मेजर शिकायत मेरे को नहीं इसमें लगी जो मैं आपको बताऊं। एंड जो इसका वेट मैनेजमेंट है वो अच्छा है, लाइट स्टीयरिंग है बट जब आप हायर स्पीड्स में जाते हैं एक हल्का सा वेट आपको फील होता है जो एक कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड करता है एंड दैट इज़ रियली अ गुड थिंग। तो इन शॉर्ट स्टीयरिंग परफॉर्मेंस काफ़ी सही है। इफ़ आई टॉक अबाउट द सस्पेंशन की कार की सस्पेंशन कैसी है, तो उसमें भी आई विल से कि सस्पेंशन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है इसका। जो रोड पे छोटे मोटे नॉर्मल गड्ढे होते हैं वो आराम से ओवरकम कर जाती है एंड सीट तक वो जर्क नहीं पहुंचता है एंड आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है। हालांकि जो बहुत डीप गड्ढे होते हैं थोड़े ज़्यादा लेवल के, या मैं बोलूँ थोड़े नॉर्मल से जो थोड़े ज़्यादा डीप होते हैं एंड उसमें से अगर कार हाई स्पीड से निकालोगे तो आपको सस्पेंशन की नॉइज़, एक वो थर्ड वाली नॉइज़ आती है, बट अगर जो नॉर्मल रूटीन में जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से ओवरकम कर जाती है। अगर आप कार उसमें से आराम से निकालोगे तो आपको कोई आवाज़ सस्पेंशन में नहीं आएगी एंड आपको एक अच्छा फीडबैक सस्पेंशन से मिलेगा। एंड उसके बाद मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग मुझे काफ़ी सही लगी यार, इसकी जेन्युइनली सही लगी, मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी मेरी कार अराउंड 77, अब 80 पे मेरी कार चल रही है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने न्यूट्रल पे कार मैंने ब्रेक मार दी सी, तो ब्रेक बहुत अच्छा परफॉर्म कर, तो ब्रेकिंग में भी आपको कोई ऐसी मेजर कंप्लेंट
मेजर क्या माइनर भी मुझे तो नहीं लगी, एटलीस्ट मैं इसे 3-4 दिन से चला रहा हूँ इस कार को। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस की इस कार में जो कि काफ़ी अच्छी है, देखो ये मैनुअल ट्रांसमिशन है एंड कई बार ऐसा हो जाता है कि मैनुअल ट्रांसमिशन में फॉर एग्जांपल आप 4th गियर पे चल रहे हो एंड एकदम से कुछ आ जाए सामने, आपको सडन ब्रेक मारनी पड़ जाए और कई बार क्लच दबाना भूल जाते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि गाड़ी झटके खा के रुक जाती है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में अक्सर बहुतों के साथ होता है। तो इसमें क्या है ना, आपको दोबारा कार ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लच जब आपकी झटके खा के कार रुक जाएगी आपको क्लच दबा के छोड़ना है, कार अपने आप दोबारा ऑन हो जाएगी। मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी प्रैक्टिकली, अभी मेरी कार 4th गियर पे चल रही है, देखो M4 लिखा रहा है एंड 40 में है। मैं ब्रेक मारता हूँ, ठीक है, गियर में डाउन नहीं कर रहा, झटके खाएगी अपने आप बंद हो जाएगी। सी ये झटके खा के, ये झटके खा रही है सी, अब ये बंद हो गई। मैं क्लच दबाऊंगा, कार स्टार्ट हो गई, तो मैं 1st गियर पे डाल के छोड़ूंगा। मतलब ये एक हैसल फ्री एक आपके ड्राइव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है ये चीज़, इट इज़ रियली गुड। सो दिस इज़ अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कार एंड आफ्टर परफॉर्मेंस वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर व्लॉग, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशंस। सो नॉइज एंड वाइब्रेशंस में तो मैं सीधा यही बोलूँगा, वाइब्रेशंस की अगर मैं पहले बात करूँ तो किसी भी तरीके की कोई वाइब्रेशन इसमें नहीं है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी रिफाइंड इंजन है तो कोई भी वाइब्रेशंस आपको कार में फील नहीं होगी। एंड मैं नॉइज़ की उसके बाद बात करूँ तो सबसे पहले मैं बाहर की जो नॉइज़ आती है ऐसी आपको कोई आवाज़ अंदर बाहर से अंदर नहीं आएगी, तो उस क्राइटेरिया में भी इस कार में ऐसे कोई इशू नहीं है। एंड उसके बाद मैं बात करूं जो नॉइज़ की जो इंटीरियर्स में से आती है, फिट एंड फिनिश में से आती है कार्स, जो इंटीरियर्स में से आती है, जो डोर पैनल्स में से कई बार आवाज़ आती है, तो सी इस कार को मैं 4 दिन से चला रहा हूँ, हाई स्पीड लो स्पीड गड्ढों में से हर जगह मैंने इसे लेके गया हूँ, टेस्ट किया है। जो इस कार की फिट एंड फिनिश है ना, एक एक पार्ट की, वो इतनी ज़बरदस्त है कि आपको कोई आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, अभी तक मुझे तो नहीं आई। एंड मैं अगर इंजन नॉइज़ की बात करूँ तो उस मामले में भी काफ़ी अच्छी ये परफॉर्म करती है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड में कार चला रहे, कार को क्रूज़ कर रहे हैं तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, बहुत काम ड्राइव है जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। बट अगर आप एकदम से पिकअप लेते हैं, इंजन को रेव, जो इंजन की रेव आती है ना, उस केस में एक बहुत ही अच्छी सी इंजन की आवाज़ आती है जो कि ना आपको थोड़ा स्पोर्टी फील कराती है। ट्रस्ट मी, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा खाली होगा, मैं आपको थोड़ा पिकअप लेके दिखाता हूँ। सी आई होप कैमरे में वो आवाज़ आए, मैं अभी लेने वाला हूँ। सी 1, 2, 3 सो आई होप आपको वो सुनाई दिया हो कैमरे में, एक बहुत ही सूदिंग सी, एक स्पोर्टी सी आवाज़ आती है, वो बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, इनफैक्ट आपको एक स्पोर्टी फील ज़रूर देती है। तो इन टर्म्स ऑफ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस आल्सो इस कार को मैं एक थम्स अप देना चाहूँगा, कोई भी ऐसा इशू नहीं है नॉइज़ एंड वाइब्रेशन में। नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द व्लॉग, दैट इज़ कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंफर्ट की, एंड कंफर्ट में सबसे पहले सीटिंग कंफर्ट की मैं बात करता हूँ क्योंकि सबसे पहले वो ज़रूरी है आप कार में आके बैठे हो। सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बिल्कुल, मुझे मेरे हाइट है 5'6" के 5'7" के अराउंड, तो उसमें मेरे को तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को अंडर थाई सपोर्ट भी सफिशेंट है, बैक सपोर्ट वगैरह सब सही है, तो उसमें कोई मुझे डिसकंफर्ट नहीं हो रहा। बट हाँ, जो रियर सीट में बस एक चीज़ है, वो आजकल जो कार्स में रिक्लाइन वाला ऑप्शन आ रहा है, 2-स्टेप रिक्लाइन, तो वो रिक्लाइन नहीं होती, एक लेवल तक ही रिक्लाइन है वो, उसमें आप उसे और रिक्लाइन नहीं कर सकते, तो बस एक वो चीज़ है, अदरवाइज आपको कोई ऐसा कंफर्ट में आपको इशू नहीं मिलने वाला। एंड उसके बाद मैं बात करूँ कंफर्ट में जो रीचेबिलिटी है, जितने भी बटन्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, सब आपकी रीच में है। सी ये मेरा हाथ है, मैं यहाँ तक ले गया, इसके अंदर अंदर सारी चीज़ें हैं, चाहे कितने भी स्विचेस की बात करूँ सब इसके अंदर अंदर है,
सीट पे बैठ के मैं आराम से किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, तो रीचेबिलिटी भी इसकी में कोई इशू नहीं है। एंड उसके बाद मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो विजिबिलिटी इसकी विजिबिलिटी भी सही है, किसी तरह का इशू मुझे विजिबिलिटी में नहीं आया। हालांकि आप आराम से बैठे हो ना सीट पे तो बोनट नहीं दिखता, बट थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो आपको बोनट की एक आउटलाइन ज़रूर दिख जाएगी। फुल बोनट तो इसमें खैर नहीं दिखता। एंड साइड जो साइड ORVMs हैं उसमें भी आपको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। एंड नेक्स्ट मैं कन्वीनियंस की बात करूँ कि आपकी ड्राइविंग के कन्वीनियंस के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दी गई हैं और क्या क्या नहीं दी गई वो भी बता देता हूँ, जो मुझे लगता है इस प्राइस के हिसाब से, इस सेगमेंट के हिसाब से होनी चाहिए थी इसमें। ठीक है, हालांकि ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है, जो जो चीज़ मुझे लगी मिसिंग है या कुछ ऐसी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपके कंफर्ट, आपकी कन्वीनियंस के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसमें ऑटो हेडलैम्प आपको दे रखा है, क्रूज कंट्रोल आपको दे रखा है, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप दे रखा है, ट्रैक्शन कंट्रोल दे रखा है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ मिल जाती है एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। AC काफ़ी अच्छा है, उसको मैं कन्वीनियंस में ही काउंट करूँगा। आपको इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग दे रखी है कन्वीनियंस के लिए, वो अच्छा है। आपको इसमें रियर व्यू कैमरा दे रखा है, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर दे रखा है। बेसिकली आपके जो कन्वीनियंस के लिए बेसिक चीज़ें सारी ऑलमोस्ट दे रखी हैं। अब जो नहीं दे रखा वो मैं आपको बता दूँ, एंड जो मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो होना चाहिए, ऑटो हेडलैम्प्स का फीचर दे रखा है, बट ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें नहीं है। ठीक है, मैनुअल है इसमें सब कुछ, तो वो ये चीज़ है। एंड दूसरी चीज़, इसका जो रियर व्यू कैमरा है, सी एक तो कैमरा इतनी सी स्क्रीन में आता है, ठीक है, एंड उसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है। चाहे इसमें एक्चुअली कार का साइज़ या कार की लेंथ मिड साइज सेडान है, कार की लेंथ काफ़ी है, एंड कई बार मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई अगर मैं किसी टाइट पार्किंग स्पेस से निकाल रहा हूँ। एक तो ये जो गाइडलाइंस है ना, ये स्टैटिक है, आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो, मोड़ रहे हो, तो ये अडेप्टिव नहीं, आपको ये नहीं दिखाएगी कार किधर जा रही है, तो इस वजह से काफ़ी इशू, मतलब इतना भी कन्वीनियंट वो नहीं था मेरे लिए। तो ये चीज़ स्कोडा को इसमें अपग्रेड करनी चाहिए कि यार ये अडेप्टिव गाइडलाइंस तो डाल दे एटलीस्ट, क्योंकि इसमें फ्रंट सेंसर्स भी नहीं है। एक तो क्योंकि अब सी जो ऐसी लंबी कार्स होती है ना, तो कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है उनको ऐसे टाइट स्पेसेस में निकालना या चलाना, तो फ्रंट सेंसर्स भी आई थिंक इसमें होने चाहिए, तो ये चीज़ इसमें मिसिंग है एक कन्वीनियंस के लिए। एंड आई थिंक सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, इस सेगमेंट के हिसाब से कोई छोटी कार नहीं है ये। तो ये था कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में मेरा ओपिनियन। तो कंफर्ट के मामले में कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। कन्वीनियंस के मामले में मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें दी गई हैं, जो फीचर्स दिए गए हैं, प्रीमियम जो फीचर्स दिए गए वो अच्छा काम करते हैं, जो नहीं दिए गए मैंने आपको बता दिए। एंड ओवरऑल जो कैबिन का फील है वो काफ़ी सही है, प्रीमियमनेस है, स्पेशली रात को जब ये यहाँ पे एम्बिएंट लाइट वगैरह जल जाती है एंड जो एक ओवरऑल लुक आता है वो काफ़ी अच्छा आता है इसमें। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बाद चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। अब मैं इसे तीन चार दिन से चला रहा हूँ एंड ऐसे दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक आपको पता ही है कैसा है। ठीक है, मैं रोज़ जो अपने रूटीन है मेरा उसी हिसाब से इसे यूज़ कर रहा था देखने के लिए। तो सिटी में ऐसे ट्रैफिक वाली सिटीज़ में अगर आप ऐसे ट्रैफिक में चलाएंगे तो ये अभी मुझे अभी तो इसमें 10.3 दिखा रहा है, अभी तो इसमें 10.3 की माइलेज दिखा रहा है, बट इसने मुझे मैक्सिमम आई थिंक 11.1 की भी दे रखी है ऐसे कंडीशंस में। तो ऐसे ट्रैफिक में जो अभी जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आपको 10 से 11 तक दे भी देगी, एंड अगर आप और भी बेटर चलाएंगे इसे आई थिंक तो 12 तक भी दे देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर आप इसे हाईवेज पे चलाएंगे तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अराउंड मिनिमम आई थिंक 16-17 के अराउंड, तो ये आपको मिनिमम दे देगी आराम से। तो ये इसकी पूरी कहानी है फ्यूल एफिशिएंसी की। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्कोडा स्लाविया, आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली हो इसके बारे में। एंड चलते हैं अपने ब्लॉग की एंड में, या मैं बोलूँ क्विक वर्डिक्ट में। सो हियर इट गोज।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग इस स्कोडा स्लाविया के बारे में। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली हो इस कार के बारे में। सो एक इजी एंड एक आपको एक फाइनल वर्डिक्ट मैं दूंगा कि अगर आप एक ऐसे मिड साइज सेडान ढूंढ रहे हैं एंड अगर आपको प्रीमियमनेस के साथ साथ एक इंजन वगैरह की परफॉर्मेंस भी चाहिए एंड साथ ही साथ एक बहुत ही कंफर्टेबल राइड चाहिए इन टर्म्स कि आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ इसमें ज़्यादा राइड करना चाहेंगे तो ये कार आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी स्कोडा का ट्रस्ट एंड जो कार का ओवरऑल सेफ्टी वो तो आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा एंड उसके साथ साथ जो इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर की सारी लुक्स है वो तो माइंड ब्लोइंग है ही। आपको एक प्रीमियम फील ज़रूर मिलने वाला है, वो स्कोडा का प्रीमियम फैक्टर ज़रूर मिलने वाला है इसमें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग इस स्कोडा स्लाविया के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और एक्साइटिंग कार के साथ, एक और एक्साइटिंग प्रोडक्ट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।